नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो देश की राजधानी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल दिल्ली में एनडीए की सर्वदलीय बैठक की गई है। कल से लोकसभा का बजट सत्र जो है यानी 22 जुलाई से लोकसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 23 जुलाई को देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो है वो बजट पेश करेंगी और उसी बजट को लेकर और जो आगामी लोकसभा का सत्र है उसको लेकर एनडीए की सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। तमाम जो घटक दल हैं वो बीजेपी के साथ उनके नेता बैठे थे और इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बड़ी मांग रख दी है। देखिए, इसका अनुमान जो है वो कई दिनों से लगाया जा रहा था। जब 29 जून को जदयू के राष्ट्र कार्यकारिणी की जो बैठक हुई दिल्ली में, उसमें ही नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी से ये प्रस्ताव पारित करा लिया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। इसकी मांग जदयू लोकसभा में उठाएगी। अब देखिए, आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें जदयू ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के बजट सत्र में, जो इस बार का बजट सेशन है, उसमें कैसे भी बिहार को स्पेशल स्टेटस मिले, इसकी जो मांग है वो लंबे समय से उठाई जा रही है। और आपको बताएं कि भले ही जदयू इस मांग पर अड़ी हुई है और टीडीपी जो है, तेलुगु देशम पार्टी जो है, वो भी इस मांग को लेकर लंबे समय से बीजेपी से बात करते रही है। हालांकि आज टीडीपी की कोई प्रमुख भूमिका देखने को नहीं मिली है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने यह साफ कर दिया है कि कल और परसों, कल से जो सत्र शुरू होने जा रहा है लोकसभा का, उसमें बिहार को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा इस बार मिलना चाहिए। अब इसका राजनीतिक मतलब आप अगर समझिएगा, इसका विश्लेषण करिएगा, तो आप समझ सकते हैं कि यह बेहद बड़ा दबाव जो है वो भाजपा पर दिया जा रहा है। बीजेपी टेंशन में आई हुई है, बीजेपी को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब क्या किया जाए। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा जो है वो नीति आयोग ने साफ इनकार कर दिया है, 2014 में ही इनकार कर दिया गया था। और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिले, इस पर जदयू जो है यानी जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी में सत्तारूढ़ दल है, वो कोई स्पष्ट कारण बता नहीं पा रही है। ऐसे में किस बिना पर बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलेगा, ये जदयू को सोचना होगा। और बीजेपी का जो रवैया रहा है खासकर बिहार को लेकर, वो हमेशा से नजरअंदाज करने वाला रवैया देखने को मिला है। ऐसे में बहुत कम उम्मीद है कि बिहार को इस बार फिर से, यानी जो ये सत्र है लोकसभा का, इसमें स्पेशल स्टेटस मिलेगा। अब देखिए, नीतीश कुमार अपने नेताओं को साफ कर चुके हैं कि चाहे जो हो जाए, लड़ाई आर पार हो जाए, लेकिन स्पेशल स्टेटस की मांग करनी है। अब देखिए, इसे ही लेकर बिहार में सरकार गिरने की, नीतीश कुमार की एक बार फिर पलटने की चर्चा भी तेज हो गई है, क्योंकि कल जिस तरीके से जीतन राम मांझी का बयान आया, काफी हमलावर दिखे वो नीतीश कुमार के ऊपर। तो एनडीए में सब कुछ सहज नहीं चल रहा है, खासकर अगर बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम समझे बात करें तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि चाहे जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो, बीजेपी हो या जदयू हो, जो आपसी तालमेल होता है वो आपसी रंजिश में बदलते हुए दिख रहा है। और इस बार देखिए, लालू यादव ने ये भविष्यवाणी 5 जुलाई को ही कर दी थी। लालू यादव ने जब राजद का स्थापना दिवस मनाया जा रहा था, उस दिन उन्होंने साफ कहा था कि इस बार अगस्त के महीने में एनडीए की सरकार दिल्ली में अपदस्त हो जाएगी, गिर जाएगी। तो क्या लालू की भविष्यवाणी इसी को लेकर थी, क्योंकि स्पेशल स्टेटस की मांग तो अब तेज हो गई है। जदयू के तमाम नेता, पटना में तो बयान चल ही रहा था, अब दिल्ली में जो सर्वदलीय बैठक हुई एनडीए की, उसमें जदयू ने यह मांग रख दिया है। और बीजेपी, देखिए, राजनाथ सिंह से लेकर तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे, बावजूद इसके बीजेपी जो है वो लाचार दिखी है और नीतीश कुमार अपनी चढ़ाई करते ही जा रहे हैं। इसका परिणति क्या होगा, क्या एक बार फिर से ये नोक झोंक जो है, ये तकरार जो है, वो सरकार गिराने का कारण बनेगा। इस बीच जो योगी मॉडल है, सावन का जो कंवरियों का जो यात्रा होता है, उसमें जो एक नाम दुकान के साथ, मतलब जो आपका दुकान है उस पर नाम लिखना होगा, ये एक नया कानून लाया गया है, एक नया नियम बनाया गया है यूपी में। अब बीजेपी भी बिहार में अड़ी हुई है कि नीतीश कुमार इस नियम को जल्दी यहां लागू कर, इसको भी लेकर बीजेपी और जदयू में नोकझोंक दिख रहा है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो 65% किया गया, 50% से बढ़ाकर जब हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगाया, तो अब जदयू मांग कर रही है कि बीजेपी लोकसभा में इसे कानून में परिवर्तित करे, संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल कराकर। तो ऐसे में कई तरह के पेज जो है वो फंसे हुए हैं। इधर पटना में लगातार ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है, एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हुआ, उसके पहले आईएएस संजीव हंस पर हुआ। तो कुल मिला जुला कर स्थितियां एनडीए की डमाडोल है, बिहार में बेहद खराब स्थिति है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी इसकी मांग कर रही थी स्पेशल स्टेटस की, लेकिन आज वो पार्टी थोड़ी शांत
दिखी है। जो भी डेवलपमेंट होगा आगे आपसे हम जरूर साझा करेंगे, आप बने रहिए द बिहार टॉक के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।